बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखूंगी। गरीब वाले बाबा की जय, बाबा निराला की जय, निराले वाले बाबा की जय। सो दोस्तों, फाइनली सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है। आप समझ गए हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। आश्रम सीरीज जो चल रही है उसका 3रा सीजन आने वाला है, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है। तो जैसा कि आपने पहला सीजन देखा होगा और दूसरा भी देखा होगा, काफी अच्छी स्टोरी चल रही है। इसमें जो लड़की है, क्या नाम है भाई उसका, इसमें जो लड़की कैरेक्टर है वो है त्रिदा चौधरी, और जो दूसरी लड़की है त्रिदा चौधरी की जो ननंद होती है इसमें, उसका नाम हमें नहीं पता, भूल गया इसमें, याद था मेरे ननंद ननंदी होती है। बाबा जी लड्डू खिलाते हैं, लोंडे है बब्बी, लड़की लड्डू खिलाओ और कमरे में ले जाओ। बाबा जी का ये चल रहा है आश्रम में, लड्डू दो और भाई लड्डू बुझाओ, लड्डू छोड़ दो। पहले सीजन में आपने देखा होगा बाबा निराला जो है गरीबों की कितनी मदद करते हैं। लड्डू खाओ, लड्डू यार ये तो मतलब हाँ, तो वही स्ट्रेटेजी उसकी, लड्डू दो। और समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, काम लपेट दो। तो पहले सीजन में बाबा ने गरीबों को बहुत सुविधाएं दी है, हॉस्पिटल वगैरह बनाए, और भाई मतलब दलितों के ऊपर भी एक स्टोरी दिखा रखी है इसमें, उनकी काफी मदद करी है। गरीबों की मदद, तो कुल मिला के फुल जो है उन्होंने दिखावा किया पहले सीजन में, और अपनी जो एक फैन फॉलोइंग बनाई जनता के बीच में, तगड़ी होती है बाबा की। उसके बाद जो बाबा का असली रूप आता है सामने, वो आता है दूसरे सीजन में, नहीं पहले सीजन में भी आया, पहले सीजन में भी आया, लेकिन दूसरे सीजन में वो खुलकर आया। बाबा के जो कच्चे चिट्ठे है वो निकल निकल के दूसरे सीजन में सामने आए जनता के, और अब आ चुका है इसका 3रा सीजन। तीसरे सीजन में अब देखते हैं बाबा जी के साथ क्या होता है, बाबा जी कांड करते हुए पकड़े जाते हैं, या आश्रम बंद होता है, या त्रिदा चौधरी इस बार खुलकर देगी मतलब के बाबा जी का साथ। इसमें जो है दोस्तों बॉबी देओल ने बहुत ही अच्छा करेक्टर प्ले किया है बाबा जी का, जो बहुत ही जबरदस्त वाली एक्टिंग कर रखी है। पहले सीजन में वो ही थे, दूसरे में भी और थर्ड में भी, तीनों सीजन में ज्यादातर स्टार कास्ट सेम ही है। एसी भी लगवा लेंगे फिलहाल, तो बाबा जी ने गर्मी बरसा रखी है। तो चलिए दोस्तों, और अब देखते हैं बाबा की गर्मी, बाबा जी की गर्मी मतलब ट्रेलर किस प्रकार का होने वाला। बस एक ही काम करना है, कैसे भी करके खत्म कर दूं उसको। जो मैं बोलूं वो कानून, मैं जो चाहूं मुझे मिले, मैं हूं पूरी तरह हर वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं जनता को। मंत्रिमंडल का मेन्यू कार्ड, लोएस्ट प्राइस 35 करोड़, हमें रिवाइज कर देते हैं। बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखो। सारी दुनिया में सेंटर होंगे भूपे, डॉलर की बरसात होगी। आश्रम नाम से ना लोगों के विश्वास के साथ खेल सकते हैं। ये सच्चे बाबा, इसकी बात करना भी मत, अंदर कुछ नहीं है, सारी कलाई खुल जाएगी। तो अब एक नई दुनिया बनाऊंगा। बाबा जी का भगवान रूप सबको विस्मित कर रहा है। अब अवतार तो लेगा ही कलयुगी बाबा। कब से चल रहे हो सब? सर पिछले कुछ दिनों से आवाजाही बढ़ गई है सर। अगर आश्रम चाहता क्या है चंद्र? एक ही तो टारगेट है, पर अब मौका बन जाए बस खत्म कर दो। पागल हो गया यो। मेरी कल्पना की स्वर्ग भूमि में नियम संविधान सब मेरे होते हैं। ये फाइल और डॉक्यूमेंट्स उसका डेथ वारंट है। बाबा, जो करना है अपने आश्रम में जाकर करो। लोकतंत्र का माहौल बनाकर रख दिया है बाबा जी राला जी। अपने पिछवाड़े चिपका ले इस तंत्र और प्रशासन को। और हाँ, समझ में आ गई तेरी भी औकात। सारी दुनिया को बता दूंगी कि इस बाबा की असलियत क्या है। आप तो हमारी उम्मीद से बहुत ऊपर निकले। ला गया ये सांड। जिंदा ना छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। बहुत पास हूं मैं तेरे, आ रहा हूं। भाई मुझे ऐसा लग रहा कि ये 3रे सीजन में भी खत्म नहीं होने वाला शायद, क्योंकि बाबा का तो अभी कुछ दिखाया नहीं कि पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, अभी तो लग रहा है स्टोरी छोड़ रखी हो इसमें। और
क्योंकि स्टोरी तो इसकी वहां खत्म होगी जब बाबा का सारा काला चिट्ठा है ना जो जब खुल के आ जाएगा सबके क्या पता इसमें दिखाया ना हो ट्रेलर में इसमें खत्म हो जाए तीसरे पे वो तो और उसमें पता लगा ट्रेलर देख के लगने लगा कि तीसरे सीजन में खत्म हो जाएगा थोड़ा बहुत कुछ तो दिखाते हैं इंटरेस्टिंग सा कहानी देखे मतलब किस उससे मॉडिफाई करके बना रखी है बिल्कुल रियल बना रखी है और जो बाबा का इसका कैरेक्टर दिखाया है जो स्टोरी दिखाई है कितनी फेक और मतलब फ्रॉडबाजी से बाबा बना है अपना आपको भगवान बता रहा है कलयुग का भगवान मतलब जनता पे जो है इस तरीके का इसने अपना जादू छला रखा है दिखावा करके मदद करके जाति धर्म के नाम पे जनता को मतलब पागल कर रखे है इसने पूरी तरीके से अपने वश में जो है इसने यूथ को कर रखा है सेकंड सीजन में तो भी और सब जो ओल्ड जनरेशन है सब ज्यादातर ओल्ड जनरेशन मतलब और जो युवा है इस बार सेकंड सीजन में दिखाया था उन्हें भी अपनी तरफ कोई ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बुराई ज्यादा दिन नहीं टिकते सब तरह की बुराई खत्म होनी होती है एक दिन अब देखते हैं बाबा जी का तीसरे पे खत्म होता है नहीं आप देखना जो लड़की दिखा रही खयानत में जो गोली मार रही है आपने अगर पहला और दूसरा सीजन देखा होगा ये बहुत बड़े वाली भक्त होती है इनकी हाँ पर जब जिस टाइम पे ना असलियत पता लगती है तो तब से आप देख सकते हैं इन्हें मारने के पीछे घूम रही है और जो है एक मैसेज जो इससे वेब सीरीज से निकल कर आ सकता है वो मेरे ख्याल से भाई ऐसे आ सकता है कि बिल्कुल भी अंधविश्वास किसी पर ना करे भगवान सिर्फ एक है वो है ऊपर वाला मतलब ऐसे किसी को ना मानने कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है हो नहीं सकता लेकिन लोगों ने बना रखा लोगों ने बना रखा और ये इसका जो है ये गलत फायदा उठाते हैं बहुत ज्यादा नहीं किसी का विश्वास होता है और वो इस तरीके से आदमी तोड़ देता है किस तरह के से बाबा विश्वास के साथ खेल रहा है मतलब जो आदमी है इंसान है जो जनता है उनके जो मतलब तो ये मतलब चलो देखते हैं इसमें तीसरे सीन में कहाँ तक पहुँचती है कहानी बाबा जी का कच्चा चिट्ठा खत्म होता है या आगे भी ऐसे ही है लड़कियों पर और औरतों पर अत्याचार करता रहेगा तब तक इस सीजन में ऐसा तो बाबा है नहीं हाँ तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।